वेलकम टू मूवी शोवी दोस्तों, सेक्स एजुकेशन का सीजन 3 रिलीज हो गया है, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है और सबसे अच्छी बात है कि ये हिंदी के ऊपर भी रिलीज हो गया है और साथ ही साथ में इसके उसी पुराने फॉर्मेट की तरह ही 8 एपिसोड हैं जो कि लगभग करीबन 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में हवर करते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम तो इतना डायरेक्ट है सेक्स एजुकेशन, बट ये इतनी ज़्यादा ग्रोस तरीके की मूवी नहीं है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन नहीं है, इसके अंदर मैच्योर टॉक्स हैं जो आई थिंक हर टीनेजर को करनी चाहिए, चाहे वो उसके पेरेंट्स के साथ करे, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ करे, चाहे वो लेट्स से कोई अगर उनकी टीचर हो सकती है उनके साथ करे, तो कोई ना कोई ये बातें होनी चाहिए जो उनको गलत रास्ते पे, गलत डिसीजंस पे जाने के लिए रोकती है। तो जो इसका फॉर्मेट रखा गया है बेसिकली इज अबाउट सेक्स एजुकेशन बट विद इन द गार्ब ऑफ ह्यूमर। और दूसरी जो सबसे अच्छी इसके प्लस पॉइंट है दोस्तों, जो सीजन 3 तक कंटिन्यू किया गया है कि जिस तरीके की इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर आप जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, चाहे ओटिस और मेवो और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या डेवलपमेंट आता है, और साथ ही साथ में जितने भी नए कैरेक्टर्स भी आते जाते हैं तो उनको बस छुआ नहीं जाता है, उनके ऊपर डीप डाइव किया जाता है। अब देखो, मैं पुअर एग्जांपल देता हूँ आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट इस तरीके से हुई है जिस तरीके से हुई थी शोले के अंदर। आप शोले में कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, चाहे सांबा का कैरेक्टर भी उठा लीजिए, चाहे आप किसी का भी कैरेक्टर उठा लीजिए, बसंती का कैरेक्टर उठा लीजिए, आपको हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी के ऊपर और उसके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, उसकी कैरेक्टर स्टेट के ऊपर पुराना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था। यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, जहाँ पर आप देखते हो कि एक जो कहानी है बेसिकली सेंटर जो हीरो है वो ओटिस है और उसके पास सेक्सुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो सेक्स थेरेपिस्ट है, जिसकी वजह से वो लोगों की हेल्प भी कर पाता है अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है। जब उसको मेव को पता चल जाता है, जो उसकी फ्रेंड होती है, क्लासमेट होती है, दे स्टार्ट अ क्लिनिक एंड दे स्टार्ट कोचिंग लॉट ऑफ पीपल फॉर मनी, तो उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है। फिर आप देखते हो कि ओटिस गेट्स अट्रैक्टेड टू मेव, बट उसका रिलेशनशिप ओला के साथ क्या है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर आप देखते हो कि क्योंकि ये इस तरीके का कॉलेज ड्रामा, हाई स्कूल ड्रामा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक भी होते हैं, बनते भी हैं, तो जैक्सन और मेव की जो कहानी है वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, डीप डाइव लगी, आपको लगा इस तरीके का अट्रैक्शन हो सकता है, एक ऐसी लड़की जिसके पास जीवन में कुछ नहीं है और एक ऐसा लड़का जैक्सन जो कि ऑलमोस्ट हार्ट थ्रॉब ऑफ और अचीवर और एकदम परफेक्ट तरीके का जो बंदा है वो कॉलेज का वो है, तो ऑब्वियसली दे कैन बी टुगेदर। फिर उसके बाद मेव और आइजैक का जो रिलेशनशिप दिखाया गया जो कि सीजन 2 में छोड़ा गया और उसके आगे उसको एक्सप्लोर किया गया सीजन 3 में, वो काफी अच्छा था। अब ओटिस बेचारे का क्या होता है, क्योंकि ओला उसके साथ है कि नहीं है, मेव उसके साथ होती है कि नहीं होती है, जो उसके साथ देखना चाहते हैं, यही सब सीजन 3 में एक्सप्लोर किया गया। एडम और एरिक जो कि एक गे कपल हैं, उसके साथ आगे क्या होता है, क्या वो कपल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसका आंसर मेरे पास तो है पर ये आपको ढूंढना होता है। और जब वो एज अ गे कपल अपने रिलेशनशिप को आगे लिखे जाते हैं तो क्या होता है, जहां पर एडम हैज सडनली रियलाइज दैट ही इज गे एंड एरिक हुज रियलाइज इट मच अर्लियर, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या एरिक जो कि एक फास्ट ट्रैक पे है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हिज बॉडी, ही अंडरस्टैंड हिज डिजायर, एंड एडम हु इज लाइक अ न्यू बी, हाउ दे गो अबाउट द रिलेशनशिप, ये सब आपको दिखेगा। और सीजन 2 के एंड में जो आपको दिखाया गया जेकब और जीन, यानी कि ओटिस की मदर का जो रिलेशनशिप दिखाया गया जेकब के साथ, उसका बच्चा भी होने वाला, ये आगे रिलेशनशिप कैसे जाता है ये सब होगा। तो मोटे मोटे दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको जान के ज़्यादा डीप डाइव नहीं बता रहा हूँ, बट ये सी चीज़ें आप देखेंगे तो सुपर कैरेक्टराइजेशन दोबारा से हुई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में आप काफी ज्यादा मेच्योरिटी देखोगे, जो गलतियां उन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 में करी या जिसे वो नहीं जानते थे अब जानना शुरू कर गए हैं, वो उसको विजडम की तरह, मेच्योरिटी की तरह यूज करते हैं। और काफी ज्यादा आप रोमांस देखेंगे, हर एक का कोई ना कोई यहां पर कपल बन जाता है और वो रोमांस को आगे कैसे लेके जाते हैं वो काफी ज्यादा क्यूट है, काफी ज्यादा बिलीवेबल है और काफी ज्यादा यंग बाय हार्ट है, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अप्रोच भी उन्होंने वैसे ही रखी है, उन्होंने बोला है कि अभी ऐसा नहीं है कि सीजन 1 और 2 में आपको पूरी सेक्स एजुकेशन मिल गई है, तो उन्होंने ह्यूमर डाल के और भी चीजों को एक्सप्लोर किया गया, डीप डाइव एक्सप्लोर किया गया, जैसे आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ गेज एक्सप्लोर करे थे हाउ टू गो अबाउट मेकिंग आउट इन सीजन 2 स्पेसिफिकली, जब आई थिंक एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका वो ही वॉज ट्राइंग टू हैव सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वो सब होता है। तो ऐसे ही सीजन 3 में और चीज़ें होती हैं। और ओटिस का जो आप देखते हो मेजॉरिटी लेवल की, वो बॉयश जोन के अंदर ही है, ही हैजंट बीन विद समबडी, ही हैजंट डन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी विद समबडी, बट नाउ ही गेट्स इन टू रिलेशनशिप, वो आपको एक्सप्लोर करना होता है, हाउ ही बिकम्स अ मैन आउट ऑफ अ बॉय, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो स्टोरी पता चल
चल जाएगी। और एरिक और एडम की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, इसलिए मैं उसको वहीं पर ही छोड़ देता हूँ, वो आपको एक्सप्लोर करनी होगी। और ओटिस और मेव का आगे क्लिनिक चलता है कि नहीं चलता है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं आपको वैसे ट्रेलर में थोड़ी सी हिंट मिल गई होगी कि हाउ दे रिकनसाइल देयर रिलेशनशिप बिकॉज दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों से अभी ये लोग मैन और वुमन बन रहे हैं, तो इनकी मेचोरिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, इट इज़ अबाउट फ्रेंडशिप एज वेल। तो वो कैसे इसको रिकनसाइल करते हैं और आगे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एक मसाला इसके अंदर और डाल के रखा हुआ, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल भी आ गई है यहाँ पर, वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल इनका जीना आराम करके बैठी हुई है। एक नई यूनिफॉर्म तक आ गई है, बिल्कुल ही अपराइट होके ही आपको स्कूल के अंदर आना है, कॉलेज के अंदर आना है। तो काफी मजेदार है। ओवरऑल बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज अब कंक्लूड हो चुकी है, इसका अब सीजन 4 का अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं नजर में आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत मजा आया और इन कैरेक्टर्स को देख के बहुत मजा आया। ऐसा लगता है कि और देखते रहो। ओटिस का कैरेक्टर काफी लोगों को पसंद आता है, पर मेव मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है इन सब में से, बिकॉज शी इज वेरी डेयरिंग, शी इज अपफ्रंट, शी नोज व्हाट शी वांट्स, एंड शी इज वेरी वेरी, वो बोलते हैं ना, एकदम झांसी की रानी है यार वो, मतलब वो शी वॉन्ट्स टू फाइट द वर्ल्ड फॉर व्हाट शी डिजर्व्स। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मेरी तरफ से दोस्तों इसका मूवी शूवी स्कोर रहेगा ए, इट्स अ मस्ट वॉच, यू शुड नॉट लीव दिस वन। बहुत सारा कंटेंट आज रिलीज हुआ है, तो पहले आप इसको देख लो क्योंकि इट इज़ वर्थ वॉचिंग, और हिंदी के अंदर भी ये रिलीज हुई है। ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा, आई थिंक 6.5-7 घंटे के आसपास में आप इसको देख पाओगे। कुछ कुछ चीज़ पे बीच में स्किप भी करनी होगी तो आप कर सकते हो। कई लोग तो इसको 1.25x की स्पीड पे भी देखते हैं, उससे कुछ भी हैम्पर नहीं होता है। अगर आप नेटफ्लिक्स के फैन हो तो आपको पता होगा कि 1.25x पे अगर आप कोई भी सीरीज देखो तो आप वही 7 घंटे की सीरीज 6 घंटे में देख सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी क्वालिटी। तो ये नेटफ्लिक्स का ही सारा फीचर है, काफी मेरे को अमेजिंग लगता है। कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में आपको देखनी होती हैं, बट आपको डायलॉग अच्छे से सुनने, आपको म्यूजिक अच्छे से सुनना है, तो 1.25x पे सुन लो। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मिस करोगे, या फिर कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है जो आप मिस करोगे। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, हमें 10,000 सब्सक्राइबर फटाफट से पहुंचना है, तो सपोर्ट। बाय बाय।